दिव्या भारती का फिल्मी करियर महज 3 साल ही चल सका था, लेकिन इन 3 सालों में दिव्या भारती ने अपनी एक ऐसी फिल्मोग्राफी बनाई जिसमें हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्में भी शुमार हुई। दिव्या को इस दुनिया से गए लगभग 30 साल हो चुके हैं। तमिल फिल्म नीला पेन्नाई से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाली दिव्या भारती ने 20 जबरदस्त फिल्मों में काम किया था। साल 1992 को दिव्या भारती का साल माना जाता है, क्योंकि इस साल दिव्या ने दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना और दिल आशना है जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी। जिस वक्त दिव्या की मौत हुई थी, उस वक्त उनके आधा दर्जन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था। किस्सा टीवी आज आपको उन कुछ फिल्मों की जानकारी देगा जिनकी शूटिंग दिव्या भारती उस वक्त कर रही थी जब उनकी मौत हुई थी, और फिर दिव्या की जगह दूसरी एक्ट्रेसेस ने ये किरदार निभाए थे। श्रीदेवी और अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म लाडला में पहले दिव्या भारती ही नजर आने वाली थी। दिव्या फिल्म की काफी शूटिंग कर भी चुकी थी, लेकिन उनकी अचानक हुई मौत के चलते फिल्म के प्रोड्यूसर्स को श्रीदेवी के साथ फिल्म पूरी करनी पड़ी। दिव्या के हर सीन को श्रीदेवी संग दोबारा शूट किया गया। फिल्म में रवीना टंडन भी एक अहम भूमिका में थी। रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की पूरी यूनिट उस वक्त इमोशनल हो गई थी जब श्रीदेवी भी उसी डायलॉग पर बार बार अटक रही थी जिस पर दिव्या भारती अटकी थी। वो डायलॉग था, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। जिस वक्त दिव्या भारती की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, उस वक्त वो अपने करियर के पीक पर थी। फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी दूसरी एक्ट्रेस से ज्यादा चर्चा दिव्या भारती की हुआ करती थी। आज भी उनकी मौत पर लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। जिस वक्त दिव्या की मौत हुई थी, उस वक्त वो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म मोहरा में भी काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी जगह ली रवीना टंडन ने। साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म धनवान में करिश्मा कपूर और अजय देवगन नजर आए थे। ये फिल्म काफी पसंद भी की गई थी। फिल्म में करिश्मा कपूर के काम को भी खूब सराहना मिली थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस फिल्म में दिव्या भारती नजर आने वाली थी। दिव्या ने फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी थी, मगर अचानक हुई उनकी मौत ने प्रोड्यूसर्स को फिल्म में उनकी जगह करिश्मा कपूर को लेने के लिए विवश कर दिया। सनी देओल की फिल्म अंगरक्षक में भी पहले दिव्या भारती को ही साइन किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब दिव्या भारती की मौत हो गई तो ये फिल्म कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। बाद में दिव्या की जगह पूजा भट्ट को फिल्म में लिया गया और ये फिल्म साल 1995 में रिलीज की गई। अजय देवगन की फिल्म हलचल में भी पहले दिव्या भारती ही नजर आने वाली थी, मगर उनकी मौत के बाद ये फिल्म काजोल को मिली और काजोल ने भी फिल्म में बढ़िया काम किया। फिल्म की शूटिंग में हुई देरी के चलते इसे साल 1995 में रिलीज किया गया था, हालांकि फिर भी फिल्म हिट रही थी। फिल्म विजयपथ के गीत तो आपको भी बहुत पसंद होंगे। तब्बू संग अजय देवगन की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में भी दिव्या भारती ही नजर आने वाली थी। उनकी मौत के चलते हुई देरी की वजह से विजयपथ साल 1994 में रिलीज हुई। हालांकि पहले इस फिल्म को 1993 में ही रिलीज करने का विचार इसके प्रोड्यूसर्स कर रहे थे। कर्तव्य रिलीज हुई थी साल 1995 में। फिल्म में नजर आए थे अनिल कपूर के भाई संजय कपूर। फिल्म में उनके अपोजिट दिव्या भारती को ही लिया गया था। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे राज कंवर, लेकिन दिव्या भारती की मौत की वजह से ये फिल्म जूही चावला के साथ पूरी की गई। एक दफा संजय कपूर ने सोशल मीडिया पर अपना व दिव्या भारती का एक फोटो शेयर किया था, जो कि कर्तव्य फिल्म की शूटिंग के दौरान का ही था। इस फोटो ने दिव्या के फैंस को इमोशनल कर दिया था।
साल 1995 में रिलीज हुई आंदोलन भी अपनी कहानी और अपने म्यूजिक के लिए खूब पसंद की गई थी। इस फिल्म में गोविंदा, ममता कुलकर्णी, संजय दत्त और सोमी अली लीड रोल में थे। पहले इस फिल्म में गोविंदा के अपोजिट दिव्या भारती को ही कास्ट किया गया था, लेकिन उनकी अचानक हुई मौत के बाद ममता कुलकर्णी को फिल्म में लिया गया। क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला थे, तो फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती हमें जरूर नजर आई थी। साजिद नाडियाडवाला ने ये फिल्म दिव्या भारती को समर्पित की थी।